नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय दुनिया में आपका स्वागत है। ये दुनिया इतनी रहस्यमय है कि जितना ही हम जानने की कोशिश करते हैं उतना ही हम उलझते जाते हैं। ऐसा ही कुछ पृथ्वी पर भरे अतः पानी के बारे में भी, जिसे हम सागर या महासागर कहते हैं। पृथ्वी पर लगभग 70% हिस्से में पानी है, बाकी जगह पर जमीनी हिस्सा है जिस पर इंसान, जंगल, नदियाँ, पहाड़, चट्टाने और झरने आदि है। इंसानों ने जमीनी हिस्से के रहस्य को तो कुछ हद तक समझने की कोशिश की है, लेकिन महासागरों के बारे में हम आज तक बहुत कम ही जानते हैं। समंदर की गहराई में आज भी कितने ही रहस्य छुपे हुए हैं जिसे हम जानना चाहते हैं। आज भले ही विज्ञान और तकनीकी ने पहले से ज़्यादा तरक्की कर ली हो, लेकिन फिर भी हम कितनी ही कोशिश कर ले, हम समंदर के रहस्यों को सुलझाने का दावा नहीं कर सकते। आज हम आपको हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के पानी के एक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उस घंटी बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहस्य दो बड़े महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। ये दोनों महासागर अलास्का की खाड़ी में आकर मिलते हैं, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही महासागर आपस में मिलते जरूर है, लेकिन इसका पानी आपस में एक दूसरे में मिश्रित नहीं होता। वैसे तो ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का पानी सदियों से आपस में नहीं मिले हैं, लेकिन इसकी सबसे पहले तस्वीर तब सामने आई जब केंट स्मिथ नाम के फोटोग्राफर ने 10 जुलाई 2010 में इन तस्वीरों को अलास्का से क्लिक करके इंटरनेट पर डाली थी। उसके बाद से ये तस्वीर वायरल हो गई और आज तक कई समुद्री वैज्ञानिक इस जगह पर रिसर्च करने के लिए आ चुके हैं, जिनका कहना है कि प्रशांत महासागर का अधिकतर पानी ग्लेशियर से पिघलकर आता है, जिससे इसका रंग हल्का नीला होता है। वही हिंद महासागर का पानी नमक और लवणों की वजह से गहरा नीला है, जिससे इन दोनों में फर्क दिखाई देता है। हालांकि इन दोनों के पानी के मिक्स नहीं होने के पीछे वैज्ञानिकों की भी अलग अलग राय है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि खारे पानी और मीठे पानी का घनत्व, तापमान और लवणता अलग अलग होती है, जिससे ये मिक्स नहीं होते हैं। वही कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर से पिघलने वाला पानी मीठा होता है, वही समुद्र का पानी खारा होता है। और जहाँ पर ये दोनों महासागर मिलते हैं वहाँ पर एक झाग की बड़ी दीवार बन जाती है और अलग अलग घनत्व होने के कारण से ही ये आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि जब अलग अलग घनत्व के पानी पर सूरज की किरणें पड़ती है तो पानी का रंग बदलता है, और जब ये दोनों महासागर आपस में मिलते हैं तो इसके अलग अलग रंग होने के कारण ये अलग अलग दिखाई देते हैं और मिक्स नहीं हो पाते। वही कुछ लोग इस अद्भुत संगम को चमत्कार और धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़कर देखते हैं। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का पानी के मिश्रित ना होने की वजह जो भी हो, लेकिन इस अद्भुत दृश्य को देखना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल रहस्यमय दुनिया पर नए हैं और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो बिना रुके आप देख सकें। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।